बोकारो, बृहस्पत का सुबह एक लोहा व्यापारी का गोली मार करके हत्या कर दिया। पूरा बोकारो तनाव में आ गया, प्रशासन सकते में आ गई, वहाँ के स्थानीय लोग उग्र हो गए। ताजा मामला जिले के हरला थाना के बसंती मोड़ की है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने लोहा कारोबारी शंकर अवानी को गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की सूचना पर हरला थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल शंकर को बीजीएस अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। इधर शंकर अवानी की हत्या के विरोध में आक्रोशित भीड़ ने बोकारो के नया मोड़ को जाम कर दिया। बसंती मोड़ पर अपनी गाड़ी वॉशिंग दुकान पर खड़े होकर के धुलवा रहे थे, तभी स्विफ्ट डिजायर कार और अपाची बाइक पर सवार होकर के अपराधी वहां पहुंचे और शंकर रवानी पर ताबड़तोड़ गोली बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगने की वजह से शंकर रवानी वहीं गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्रिमिनल कौन गोली चलाया इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं, मगर करना क्या है इसको, तो 2 नंबर काम पहले करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है, उसके लिए उगाही करवाना है इसको। इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े, क्योंकि पैसा उसके कमाई है इसको। मैंने कहा पूछ लीजिए, इसको जांच करवा लीजिए। मैंने डीजीपी साहब को भी इस मैटर को बताए थे, मैं देखिए अंत में तो उसका जान चला गया। वैसे एसपी को रहना सरकार रखा है तो कहने की आप सरकार ही समझ सकता है कि किस लिए ऐसे एसपी को रखे हैं, जो एसपी के आने के बाद सिर्फ बोकारो में क्राइम ही बढ़ा है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर क्या, कोई कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखिए लगातार घटना पर घटना घटते जा रहा है, हत्या, मर्डर, लूट, रंगदारी, सारा चीज बढ़ते जा रहा है। जो गरीब लोग अगर कमाने खाने वाला उसको व्यवस्था, उसको भी तंग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसका तो बर्दस्त प्राप्त है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैरमो के आपके विधायक बड़े पैमाने पे कोयला का धंधा करवा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए एसपी यहाँ पे रिपोर्ट किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कौस्तुभ कुमार मलेज, बोकारो। शंकर रवानी की हत्या 18/7/2024 को कर दी गई थी। इस कांड को उद्भेदन तथा इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें बाली डी इंस्पेक्टर, सिटी इंस्पेक्टर प्लस हरला थाना प्रभारी तथा अन्य जो हमारे थाना क्षेत्र के जो पेशेवर रूप से विशेषज्ञ थे, टेक्निकली जो विशेषज्ञ थे, उनको भी शामिल किया गया था। तो जो अच्छे पदाधिकारी हैं जो क्राइम क्रिमिनल में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको इस टीम में शामिल किया गया था। उद्भेदन और कुछ लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जो अशोक सम्राट और राजू दुबे, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पूछताछ के क्रम में पूरे जो इस कांड को अंजाम देने की जो कहानी थी, क्यों हत्या की गई थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और इस कांड को कार्यरत करने के लिए राजू दुबे द्वारा जो प्रोफेशनल क्रिमिनल को इंगेज किया गया था, उनको उनकी भी पहचान हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो रेकी कराने वाले राजू दुबे अपने गाँव के 5 लोगों को इन्वॉल्व किया था, उसमें से 3 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। साथ साथ मुख्य साजिशकर्ता जो हैं राजू दुबे और जो अशोक सम्राट हैं, जो अनफेसिलिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना तथा क्रिमिनलों को शेल्टर देना, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। इस मुख्य रूप से जो हरला थाना स्थित जो एस कुंड है, उसमें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और उसमें वर्चस्व कायम करने के लिए ये हत्या सुनियोजित ढंग से कराई गई है। पूर्व में ये जो जिनकी हत्या की गई, वो जिस ग्रुप के साथ रहते थे, उन्हीं का वहाँ वर्चस्व होता था और उन्हीं के द्वारा वहाँ पर ठेकेदारी के कार्य तथा अन्य जो गतिविधियाँ, व्यवसायिक गतिविधियाँ, उसी ग्रुप द्वारा किया जाता था। तो ऐस कौन बोकारो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी समस्या है, जबकि लगातार वहाँ इस तरह की कई घटनाएं होती रही है और आपके पास मामला भी दर्ज होते रहा है, कई बार मार्केट की घटना हुई है, इनसे झड़प हुई है। तो एस कौन को देखते हुए अब बोकारो पुलिस, चूँकि कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, तो अब आपकी आपका क्या कहना है? हम लोगों ने एस कौन में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी उसमें कौन कौन शामिल हैं, उनके जो आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा रहे हैं, साथ में विशेष निगरानी रख रहे हैं, और जो भी किसी तरह के छोटे बड़े क्राइम वहाँ पर घटित हो रहे हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल जो लोग हैं उनके विरुद्ध कानून
के तहत उन पर कार्रवाई कर रहा है। शूटर कौन थे, कहां से आए थे? गाड़ी पार करके वह जो शंकर रवानी थे जिनकी हत्या हुई, तो गाड़ी पार भी थे और उनके खिलाफ भी एक मामले दर्ज कर रहे थे। आखिर किस तरीके से आ रहे थे, पुलिस की कहां चूक हो गई, पुलिस ने कहां अपना? रवानी के पूर्व में इस जिले में 6 आपराधिक कांड अंकित थे और 13 अगस्त तक इसी जिले से जिला बदर थे। उसके लगातार थाना स्तर से निगरानी की जा रही थी। ये ज्ञात हुआ था कि वो धनबाद में रह रहे हैं, लेकिन किसी छुप कर आने की के बाद ये घटना घटित हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों घटित हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी जो पुलिस उपाधीक्षक नगर के माध्यम से करेंगे। शूटर जो है, शूटर में विशेषकर जो थे वो बिहार के थे और उन पर जो अभी तक जांच पड़ताल हुआ है वो प्रोफेशनल किलर हैं। उनका मुख्य जो काम है पैसे लेकर हत्या करना ही है और उनकी हम लोगों ने पहचान कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी जो टीम है वो छापामारी और उनके बारे में सूचना जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इसमें जो शूटर थे, शूटर कितने थे और जो अभी तक अपने गिरफ्तार हो पाए? शूटर तो जैसे आप जानते ही हैं कि 5 शूटर इंगेज थे, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और रेकी करने वाले और जो कांड में प्रयुक्त जो बाइक्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं और अन्य जो गाड़ी है एक दो उनकी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में जो अन्य जो बचे हुए हैं 6-7 लोग, जिसमें शूटर्स भी हैं और शेल्टर्स देने वाले लोग भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कितने रुपए में ठेका दिया गया था? क्योंकि ये जो किलिंग की जो घटना घटी है उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10 लाख में हत्या की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया गया था, लेकिन जो मुख्य साजिश करता है उसमें के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब ये इस पॉइंट के व्यवसाय में कब्जा हो जाएगा तो मंथली उन लोगों को 5-5 लाख, जो इसमें मुख्य और 2 लोग थे जिनका 5-5 लाख रुपया मंथली देने की बात कही गई थी और साथ साथ में जो शेल्टर देने वाले लोग हैं या जो अशोक सम्राट हैं उनको आश्वासन दिया गया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग होगा, ट्रांसपोर्टिंग में आप 10-15 गाड़ियां अपना लगा लीजिएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो आपका इसमें हिस्सेदारी होगी। एस पॉइंट में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं अभी, तो आपको लगता है कि अब वो लोग जो हैं इस तरह के अपराधियों का संरक्षण ले रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या होगी? नहीं, जो एस पॉइंट में जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं ऑनलाइन ढंग से वो अपना ठेका ले रहे हैं, लेकिन जब वो कार्य करने आते हैं तो बिना इनके सहयोग इन्फ्लुएंस के जो वहाँ पर विस्थापित संघ है या जो भी वहाँ पर गांव के बस्ती के माओवाद के हैं, तो बिना उनके सहयोग और समर्थन से वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी परिस्थिति में जो पहले से राजू दुबे कार्य करते थे और कालांतर में या पूर्व में राजू दुबे के साथ शंकर रवानी कार्य कर रहे थे, तो 2013 से उनका बच्चा था राजू दुबे का। इधर 1-2 सालों से जो वहाँ पर एक अन्य ग्रुप है उनके शंकर रवानी उनके तरफ से कार्य कर रहे थे, अभी व्यवसाय में उनका दबदबा था और इसी रंजिश में प्लान करके राजू दुबे द्वारा शूटर कितना दिन तक शूटर जो लाए गए थे, क्या इसके पहले भी किसी दूसरे कांड में भी उनका यहाँ आना जाना रहा, इस तरह की कोई जानकारी? अभी तक हम लोगों को उस बिंदु पर जब हम लोग शूटर को पकड़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि शूटर घटना कारित होने के 7-8 दिन पहले हम बुकारो आ चुके। तो शूटर से कैसे संपर्क हुआ था, शूटर से इन लोगों से संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि राजू दुबे ने अशोक सम्राट को इंगेज किया था हत्या कराने के लिए और अशोक सम्राट ने एक पहले में भी इस जिले के अन्य अपराधों में वांटेड थे अमित मुखिया और उनके माध्यम से एक और अपराधकर्मी है जो इस राज्य के बाहर थे, उन दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों को आश्वासन दिया गया कि जब एक कार्य हो जाएगा तो दोनों को पर मंथ 5-5 लाख रुपया हम लोग व्यवसाय से देंगे। उनके द्वारा जो है जो शूटर को फिर जो प्रोफेशनल शूटर थे उनको इंगेज किया गया। अब भी हमारी टीम तो छापामारी कर रही है और जो वो बिहार के बहुत सारे केसेस में भी वांटेड हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।